गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली और आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम एक नाच सुनने जा रहे हैं और पहले हम उसका आपको टाइटल बता देते हैं। सो उसका टाइटल है बेटी एक वाक्य, एंड जो नाच जिन्होंने पढ़ी है उनका नाम है दानिश एंड दवर। और रिसेंटली हमने इनके अभी एक और हमने नाच सुनी थी, हस्बी अभी जलाला। तो गाइस वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा। और हमें इस नाच के लिए कमेंट बहुत टाइम से आ रहा था एंड फाइनली आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। पहले तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे जो जो हमें कमेंट करते हैं और जो जो अपनी मतलब वीडियोस रेकमेंड करते हैं, हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है। बट गाइज, हम धीरे धीरे करके सबकी वीडियोस पे रिएक्शन दे रहे हैं। कोई भी प्लीज बुरा मत मानना कि किसी की वीडियो अगर रह जाती है, बट हम देंगे सब। हाँ, सो गाइज देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है, ये नाच कैसी होती है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वाकया बतलाता हूँ मैं मुल्क अरब का, वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर, ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा है मेरे आका, जिस वक्त मैं काफिर था तब एक जुर्म किया था, जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं, बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुए एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमत उछाली, बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया ना तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी गर्भ में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार मैं पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से, वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तोतले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्चे की बातें। फरमाइश वो करती रही सारे सफर में, जागी ना मोहब्बत ही मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं मस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहां पहुंची मेरे साथ ही चलकर। सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लूं, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। जब मैंने किया एक गड़ा खोद नजारी, उस वक्त मेरे जहन पे शैतान था तारी। गर्मी थी बहुत, चूर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा जो जरा मुझ सा कमीना, वो पूछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी।
मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया। पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर, और खुद पे उलटती रही वो मट्टी उठाकर। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी, लहराने लगी वो। रोती रही चिल्लाती रही फूल सी बच्ची, जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची। उस दिन मेरी रग रग में तो शैतान समाया, उस बच्ची पे थोड़ा भी मुझे रहम न आया। जिंदा ही उसे कब्र में दफना दिया मैंने, एक जान पे ये कैसा सितम ढा दिया मैंने। वो आदमी रोता रहा ये बात बताकर, उस शख्स के रुख सार भी अशकों से हुए तर। एक दर्द से सरकार की आंखें हुई पूर्णम, दिल थाम के रोते रहे सरकार दो आलम। सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है, अल्लाह को जो तैश दिलाए वो गलत है। सरकार को माना है तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तुम उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी है जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। बेटी की मोहब्बत में कहीं भूल न जाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। उम्मत से यही कह गए उस नैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाए से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। So guys, वीडियो बहुत 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 ज्यादा इमोशनल थी, और हमने नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा इमोशनल होगी। मतलब इस जो ये नात थी, इसमें प्रॉपर एक स्टोरी बताई गई, एक लड़की की स्टोरी बताई गई कि पहले के टाइम पे ज्यादातर ये चीज मैंने नोट की कि पहले के टाइम पे ये चीज हम सुनते थे कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है या कोई ऐसा कर रहा है। लाइक पहले के टाइम पे बोझ मानते थे लड़कियों को, बट अब हमने ये चीज नोट करा है कि अब ऐसा कुछ है नहीं, इतना ज्यादा कुछ नहीं है अब तो। और अब तो लड़का लड़की इक्वल है, कोई उसमें ज्यादा भेदभाव नहीं करते। और अभी के टाइम पे ज्यादा मतलब लोग रिस्पेक्ट देते हैं लड़कियों को भी, और उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट ये चीज पहले नहीं होती थी, और जैसे ये वीडियो दिखाई बहुत बहुत इमोशनल थी गाइस, बहुत ज्यादा। हाँ, एंड पहले के टाइम पे तो बहुत सुनने के लिए भी मिलती थी ऐसी चीजें, बट अब ऐसा नहीं होता। होता होगा लाइक विलेजेस टाइप एरिया में, रिमोट एरियाज में ज्यादा होता होगा, बट अब ऐसा हमारे सराउंडिंग्स में तो ऐसा कुछ नहीं, होता हाँ। नहीं है। इनफैक्ट अब इक्वली ट्रीट करते हैं, इनफैक्ट उनसे ज्यादा कभी कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि मतलब उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के लिए। एंड ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग ज्यादा आई थिंक एजुकेटेड भी नहीं थे, तो इसीलिए उनको ज्यादा वो बर्डन मानते थे। बट अब वो चीज चेंज हुई है, तो वो आई थिंक एजुकेशन के वजह से भी जैसे जैसे। एंड आई थिंक इस चीज के लिए तो आपको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है कि आप सबको इक्वली फिर देख पाओ। बट ये वीडियो से जब आई थिंक टाइटल पढ़ा था तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये इतनी ज्यादा मतलब
बट गाइज ये वीडियो स्टोरी होगी. बहुत पुरानी है, 2018 की वीडियो है. हाँ. और ऐसी वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि बनानी चाहिए, क्योंकि अभी भी पूरे जगह पे ऐसी चीजें नहीं हो पाई है. अभी तो हम वैसे एरिया में रहते हैं तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट जैसे विलेज एंड ऑल ऐसी जगह जो हो गई है वहां पे ये चीजें नहीं है. बट ऐसी वीडियोस बनेंगी तो शायद उनको समझ आए कि ये चीज बहुत गलत है, अगर ऐसा कोई करता है या ऐसा किसी के माइंड में आती है चीजें करना कि लड़कियां काइंड ऑफ बोझ हैं, या फिर मतलब उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, वो चीज बहुत ही गलत है. बट और अगर वीडियो की बात करें तो पहले तो इन आई थिंक इन ब्रदर्स हाँ, हैं, आई थिंक मुझे ब्रदर्स भी यही हैं. लगता है, इनकी आवाज सच बहुत में बहुत अच्छी बहुत है, ज्यादा. बहुत ज्यादा अच्छी है. एंड हमने इनसे पहले जो नाच सुनी थी इनकी, वो भी बहुत हस्बी अच्छी थी. रबी हाँ, वो भी जुल्ला. बहुत अच्छी थी एंड ये भी बहुत अच्छा था. बट इसकी जो वीडियो थी एंड जो मैसेज था वो वो बहुत सच में डिफरेंट बहुत अच्छा था. और बहुत अलग था, हमने सच में नहीं सोचा था. बट गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ही कमेंट किया था तभी हमें ये, हमने ये वाली नाच सुनी, अदरवाइज हमें ये मिलती भी नहीं. हाँ. सो थैंक यू सो मच, आपने हमें ये रिकमेंड किया. और गाइज ऐसी और भी अगर कोई नात है जो आप चाहते हो कि हम उस पर रिएक्शन दें तो प्लीज हमें रिकमेंड करना, हम जरूर उस पर रिएक्शन देंगे. और बताना आप लोगों को रिएक्शन कैसा लगा गाइज, हमें बहुत अच्छी लगी ये वीडियो. आप लोग बताना आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना. और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तब तक तक के के लिए लिए बाय. बाय.